हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैब्रोज। और आज की वीडियो एक रिव्यू वीडियो है और मैं रिव्यू करने वाली हूँ मार्स का प्रोफेशनल मेकअप 3-in-1 ब्राइटन कंटूर कंसील, दैट इज़ हाइलाइटर एंड कंटूर पैलेट विच हैज़ 8 कलर्स। तो ये पैलेट जो है मैं रिव्यू करने वाली हूँ, इसके लिए रिक्वेस्ट आई थी तो मैं ये पैलेट रिव्यू कर रही हूँ, क्योंकि ये पैलेट मुझे उतनी पसंद नहीं है, इसका मैंने रिव्यू इसलिए नहीं बनाया था। फिर भी चलो, अब रिक्वेस्ट आ ही गई है तो बनाना ही है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगी, पहले इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ। पैकेजिंग यू कैन सी मार्स लिखा हुआ है, प्रोफेशनल मेकअप 3-in-1 ब्राइटन्स कंटूर कंसीलर, और यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर डेलिकेट लाइट पाउडर फॉर्म इजिली क्रिएट 3-डायमेंशनल फेशियल फीचर्स। और यहाँ पर एक मिस्टेक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पर कंपनी मैंशनड है मार्स, लेकिन जो इन्होंने स्टिकर लगाई है, ये स्टिकर लगाने में गलती हो गई, इन्होंने यहाँ किस ब्यूटी का स्टिकर लगा दिया है, जो कि है किस ब्यूटी हाइलाइटर एंड कंटूर कंसील पैलेट 8 शेड्स। तो ये हो गया इसका फ्रंट। साइड में आते हैं तो यहाँ पर मार्स लिखा हुआ है, इस साइड पर हाइलाइटर एंड कंटूर, यहाँ पर आइटम नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर शेड नंबर लिखा हुआ है। ये शेड नंबर मेरा 1 है और इस साइड पर भी हाइलाइटर कंटूर है। तो बैक पे आप देख सकते हैं कि ये 3-in-1 ब्राइटन कंटूर कंसील वाला जो नाम है इसका, ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्या करता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, और इंग्रेडिएंट्स में आप देखेंगे तो कहीं भी आपको पैराबन नहीं मिलेगा। तो पैराबन जिन लोगों को यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है या पैराबन से जिन लोग भागते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट ठीक है। वैसे ये प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है, मैं कितनी बार बताऊँगी इसको, बाद में डिटेल में इसके बारे में कवर करूँगी। प्रोडक्ट नेम जो है यहाँ कंटूर लिखा हुआ है, इम्पोर्टेड बाई यहाँ पर रोम इंडिया लिखा हुआ है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर जो हुआ है ये चाइना में मैन्युफैक्चर हुआ है। इसमें 25 ग्राम है नेट कंटेंट। इसका डेट जो मैन्युफैक्चरिंग है वो देखिए, डेट मैन्युफैक्चरिंग का 16/3/2018, एक्सपिरेशन डेट आपको दिख रही होगी, इंपोर्टिंग का जो है वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर, लाइसेंस और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और इसमें फ्रेगनेंस जो लिखा हुआ है, परफ्यूम फ्रेगनेंस, ये जो फ्रेगनेंस है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फ्रेगनेंस है, तो ये उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट नहीं है जिनको फ्रेगनेंस से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फ्रेगनेंस है। इसकी पैलेट मैं खोल करके दिखाती हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का पैलेट है। यहाँ पर लिखा है मार्स हाइलाइटर एंड कंटूर, यहाँ पर लिखा है सुपर डेलिकेट लाइट पाउडर फॉर्मूला, वही जो आउटर पैकेजिंग पे लिखी हुई थी, मीन्स कार्डबोर्ड पैकेजिंग पे। और यहाँ पर आपको ओपन करने के लिए दिया गया है। इसका जो अपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये काफ़ी प्लास्टिकी काइंड ऑफ लगता है मुझे, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। ये मीन्स स्टर्डी है, लाइक बहुत दबाने के बाद ही टूटेगा, बट फिर भी इतना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप कहीं लेके जाओगे तो ये टूट सकती है, इतना ज़्यादा स्टर्डी नहीं है। इसकी ये जो ट्रे है ये काफ़ी चीप क्वालिटी की है, उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर आपको 8 शेड्स मिल जाते हैं, यू कैन सी, तो इस तरीके से है। ये वैक्स है, इसमें बहुत ज़्यादा वैक्स काइंड ऑफ है इसका टेक्सचर, तो इसको थोड़ा सा आपको अपने फिंगर से ऐसे मेल्ट करना पड़ता है, तब आपका प्रोडक्ट निकलता है। आप सोचेगा ऐसे करके निकाल ले लिक्विडी काइंड ऑफ, तो ये उतना लिक्विडी नहीं है, ये वैक्स है। और ये थोड़ा आप देख रहे हैं बहुत थिक कंसिस्टेंसी का है, थोड़ा मेल्ट करना पड़ता है। तो ये हो गई इसकी पैकेजिंग की बात। यहाँ पर आपका पीछे बैक साइड में लिखा हुआ है कि हाइलाइटर एंड कंटूर है, यहाँ पे शेड नंबर 1 लिखा हुआ है, दिस शेड नंबर 1 है, और नेट कंटेंट और इंग्रेडिएंट्स, बाकी सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो इसके कार्डबोर्ड पैकेजिंग के बैक पर लिखी हुई थी। सो ये हो गई इसकी पैकेजिंग की बात। सो फ्रेंड्स, आपने पैकेजिंग तो देख ही लिया, अब आते हैं इसकी डेमो की बात। तो मैं पैलेट में से आपको, व्हाट इज दिस, यू कैन सी यहाँ पर एक ये स्टिकर काइंड ऑफ थिंग है, और इस पे ये पैलेट चिपका हुआ था, विच इज काइंड ऑफ दिस, इट्स लाइक सुपर चीप। और ये जो ट्रे इन्होंने बना रखी है, ये ट्रे कैसी है, यू कैन सी, बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक की है, और इन्होंने ऐसे स्टिक कर दिया था, जो कि आपने देखा अभी कैसे निकल गया। सो मैं इसे प्लेस कर देती हूँ समहाउ, अब मत निकलना। तो ये ऐसी कुछ पैलेट है, तो इसमें 8 शेड्स हैं, विच आर लाइक गुड कि 8 शेड्स है, चलो अच्छी बात है, बट ये शेड्स अपना काम करें तब तो अच्छा। मैं स्वॉच लेकर के दिखाती हूँ, तो दिस वन इज लाइक दिस। अच्छा, इसकी एक बात बतानी थी कि ये वाला शेड जैसे मैंने स्वॉच किया तो तुरंत आपको फिंगर पे दिखा, बट अगर ये जब नया होता और आप इसे लेते तो ये बिल्कुल भी आपके फिंगर्स पे आता नहीं, लाइक दिस वन, अगर मैं कितना भी लूँ ना, ये मेरे
हाथों पे उतना नहीं आएगा। आपको इसे अच्छे से ऐसे रगड़ के थोड़ी देर तक मेल्ट करेंगे तो ये आपको फील होगा ना कि बहुत ज्यादा लिक्विडी काइंड ऑफ, शुरू में ये ब्रिक जैसा लगेगा, बिल्कुल कुछ लगेगा ही नहीं। और जैसे ही आप इसे डिजोल्व करेंगे, लाइक ऐसे आप करेंगे, तो ये मेल्ट हो जाएगी। और मेल्ट होने के बाद में आप इसका स्वाच देखिए, ये स्मूथ जाएगी। तो ये इसमें एक चीज थी जो पहली बार मैंने यूज किया था, तो आई वॉज लाइक ब्रश पे तो बिल्कुल उठ ही नहीं रही थी, तो मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो पूरा जमा हुआ है। और ये तब मुझे आइडिया नहीं आया था, मैंने बहुत जल्दी में ऐसे देखा था कि कैसे क्या हो रहा है, बट मैंने रख दिया। बट दूसरी बार जब मैंने निकाला और इसे मैंने अच्छे से, लाइक दिस वन ऑल्सो मैंने यूज नहीं किया है तो उतना ये नहीं निकलेगा। और इसे मैं एक बार अच्छे से ऐसे हाथों से प्रेस करके मेल्ट कर दूँ, तो ये थोड़ी देर में आप देखेगा ये मेल्ट हो गई है। तो अब ये अच्छे से आपको फिंगर पे दिखेगा और पिक भी हो जाएगा। तो ये इसमें ये बात है। और ये फर्स्ट टाइम यूज करने पे ही है, मतलब फर्स्ट टाइम आप यूज करेंगे तो ये लिटिल वैक्सी लगेगा ऊपर में, और आप अगर इसे मेल्ट कर देंगे उसके बाद यू कैन यूज इजिली। तो ये इसमें बात हो गई। तो इसके कुछ स्वॉचेज मैंने दे दिए हैं, अब इसे फेस पे यूज करके देखती हूँ। तो फॉर माई आईज, मेरे आईज उतने ज्यादा मीन्स डार्क सर्कल नहीं है, तो मैं ये वाला यूज कर लूंगी, लाइक ये वाला चल जाएगा मेरे स्किन टोन पे। तो मैं ये वाला शेड ले रही हूँ विथ माई फिंगर, क्योंकि ये ब्रश से बिल्कुल बिल्कुल भी पिक नहीं होता है। तो इसे मैं यू पैट कर लूंगी अपने आईज के पास, ब्रश से मैं पिक करके दिखाऊं। सी दिस इज ब्रश, और इससे मैं लूंगी अगर, तो ये देखो बहुत ही कम पिक होता है, बहुत ही कम। इसलिए मैं हैंड ही यूज कर लेती हूँ कि छोड़ो यार कौन इतना झंझट करे। और इसे मैं ब्लेंड करने के लिए यूज कर लेती हूँ अपना ब्यूटी ब्लेंडर, लाइक मैं इसे फटाफट से ब्लेंड कर लेती हूँ, उसके बाद बात करूंगी। ये ब्लेंड होने में भी उतना इजी नहीं है, लाइक इट्स वैक्स काइंड ऑफ थिंग, बहुत ज्यादा थिक है और ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होता है। फ्रेंड्स, आपको कैमरे पे दिख नहीं रहा होगा बट मैं आपको बताऊं, ये आपके पोर्स में ऐसे बैठ जाता है ना, इन द क्रीजेज एंड एवरीथिंग। अभी ब्लेंड मैं कर ही रही हूँ तब तक ये बैठ चुका है, ये तो भैया नहीं हिलने वाला। इट्स लाइक मैं तो बैठ गया, अब तो नहीं हिलूंगा। तो अभी अब इसको मैं पाउडर से बेक करूँ या इसको लॉक करूँ, इससे पहले ही ये बैठ चुका है क्रीजेज में। तो ये सबसे हॉरिबल थिंग है, इसके वजह से ही मैं इस कंसीलर को बिल्कुल नो कहती हूँ, नो नो अ बिग नो फ्रॉम माई साइड, क्योंकि ये ब्लेंड होने से पहले ही ये बैठ जाता है, फिर क्या मैं इसे पाउडर से बेक करूंगी यार। सो इस कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का कॉम्पैक्ट, ये है सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट। और इसे मैं लूंगी एक ब्रश की हेल्प से, एंड तो चलिए इसका कंटूर का भी एक बार देख लेते हैं हिसाब किताब। तो मैं ये डार्केस्ट शेड जो है इसे मेल्ट करना होगा। ओके, नाउ आई विल यूज ब्रश, और मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक लाइन टू चीज अलाउट माई चिक, और अगेन दिस साइड। अब मैं इसे कर लूंगी ब्लेंड ऊपर की साइड में, तो यू कैन सी ठीक ठाक से इफेक्ट आ गई है। सो मेरी जो फेस है वो हल्की सी चिजल्ड लग रही है, लाइक सो ये जो कंसीलर पैलेट है दिस इज हॉरिबल, लाइक ये आपके क्रीजेज में ऐसे बैठ जाएगा और इतना पैची लगेगा कि आप इसे एक बार यूज करने के बाद दोबारा कभी यूज नहीं करोगे। तो मैं कभी इसे सजेस्ट नहीं करूंगी पर्सनली किसी को भी कि आप ये कंसीलर पैलेट लो। आप एक ही कंसीलर ले लो जो कि आपके कलर का हो, 220 रुपये में आपको अच्छा कंसीलर मिल जाएगा सिर्फ एक कलर का। बट ये 8 के चक्कर में ना लालच में ना पड़ो कि ये 8 कलर्स का कंसीलर है, आपको कंटूर पैलेट मिल जाता है तो ये बहुत अच्छे है। लाइक मैं यही सोच करके इसे खरीद ली थी कि ये 8 कलर्स के शेड्स, आपको 8 टाइप के शेड्स मिल जाएंगे, तो मुझे इतनी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि मैं कौन सा लूँ, मैच करके मैं सब यूज कर सकती हूँ। बट ये मेरी गलती थी, इसे मैंने ले लिया था और अब मैं पछता रही हूँ कि इसे मैंने क्यों लिया। आपको कंसीलर अच्छा लेना है तो वेट एंड वाइल्ड का ले लीजिए, मेबेलिन का फिट में कंसीलर ले लीजिए, या एज रिवाइंड कंसीलर ले लीजिए, वो सारे बहुत अच्छे हैं। और थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा बट आपको अच्छा एक कंसीलर तो मिल जाएगा। 8 के चक्कर में, 8 के लालच में आपका पूरा पैसा वेस्ट हो गया, आप इसे यूज़ भी नहीं कर सकते। तो हो
होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो घंटी है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आते रहेगी मेरे नए वीडियोज़ के बारे में। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही ख़त्म करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। बाय बाय।